आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपका माह जुलाई है इसका क्या है, हम जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा आपको क्या है इसमें प्रश्न आपके दिए हुए हैं। ओके, टॉपिक बाई टॉपिक। बाकी जो आपका मासिक टेस्ट होना है वह अलग है, वह आपका क्या है 20 नंबर का आएगा जो कि आपके टीचर स्वयं आपको बनाकर देंगे। कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं के जितने भी आपके विषय आपका मासिक टेस्ट आपका हो रहा है तो आपके टीचर ही आपको क्या है क्वेश्चन आपके सिलेक्ट करके आपको कुछ दे देंगे। 3-4 ऑब्जेक्ट 2-3 आपको क्या है क्वेश्चन दे देंगे क्योंकि 20 नंबर का आना है तो वो तो आपका हर स्कूल का अलग अलग रहेगा क्योंकि उनके जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वही आपको बनाएंगे। ओके, ये तो थोड़ा आपका अलग है। ये एमपी बोर्ड क्या है पहले क्वेश्चन बैंक जारी करता था आपको पता है, लेकिन अब बंद कर दिया है। तो अब क्या है हर महीने के मतलब महीने का जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन आपको देगा। ओके, इनकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगी क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन क्या है कवर किए गए हैं। ओके, तो मैं इसकी आपके सॉल्यूशन के साथ में आपको बताऊंगा। ओके, इन सभी सब्जेक्ट की आपको क्या है मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करने हैं मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ओके, तो इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं और कंप्लीट अन्य सब्जेक्ट का भी चाहिए है कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में यही बताइएगा कि आपके स्कूल में इसे सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में दोस्तों हम काव्यखंड का और पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी का मैं आपको सॉल्यूशन समझा और बता दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं। सही विकल्प पहला है हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। दोस्तों आपको दिक्कत हो रही हो समझने में तो वीडियो को फुल क्वालिटी करके देखिएगा। ओके, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ तो 1907 में हुआ। ओके, और इन्हीं में से आपको क्या टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आपको रख दिए जाएंगे 20 नंबर का है 40 मिनट आपको दिए जाएंगे टेस्ट करने के लिए। ओके, इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ तो इलाहाबाद में हुआ। ओके, ये आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये केवल अभ्यास के लिए आपके दिए गए हैं। अगर पूरे क्वेश्चन जितने भी आपको हर महीने आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के उनका अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको देख सकते हैं दिया हुआ है प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे क्योंकि एकदम हर प्रकार के क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ओके, आत्मपरिचय कविता में कभी किसका भार लिए फिरता है तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आत्मपरिचय कविता में कभी जीवन में क्या लिए फिरता है तो प्यार लिए फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मपरिचय कविता में कभी बच्चन किसका पान किया करते हैं तो स्नेसुरा का पान किया करते हैं। अगर आपने अच्छे से पूरी अपने ये कविता पढ़ी आत्मपरिचय वाली तो एक ही क्वेश्चन आपसे बनेगा, मैं पहले समझा चुका हूँ। प्लेलिस्ट पर जाइएगा क्लास 12th हिंदी की आपको मिल जाएगी, उसमें मैं हर चैप्टर आपको समझाया। ओके, नेक्स्ट आत्मपरिचय कविता में कभी अपने रोदन में क्या लिए फिरता है तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ओके, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ ये लाइन आती है तो राग आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आत्मपरिचय कविता में कभी स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है तो एक नया दीवाना मानता है। ओके, नेक्स्ट है आत्मपरिचय कविता में कभी कैसा संसार लिए फिरता है तो सपनों का संसार लिए फिरता है। ओके, नेक्स्ट है हो ना जाए पथ में रात कहीं सो सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है तो पंथी चलता है। ओके, नेक्स्ट है किसका ध्यान करके चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है अपने बच्चों का। नेक्स्ट है बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है तो तेजी से उड़ती है। ओके, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी को आपके सॉल्यूशन तैयार करना है तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। वीडियो बस ध्यान से अंत तक देखिएगा और वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा आपका तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों कवि आलोक धनवा आपके क्या है 7वें 8वें दशक के कवि हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो आपने देखा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, जैसे आत्मपरिचय चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसके आगे आपके हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में लिखा रहेगा। इसी प्रकार से जो आपके पतंग चैप्टर है वो किसने लिखा आलोक धनवा जी ने लिखा है। ओके, तो आलोक धनवा जी के बारे में पूरा दिया रहेगा तो उसी में ये सब क्वेश्चन बन के आते हैं। उसमें लिखा हुआ है सबसे पहली ये लाइन में 7वें 8वें दशक के कवि हैं ये पूरी लाइन आती है। ओके, कवि आलोक धनवा की पहली कविता तो पहली इनकी जो कविता है वो थी जनता का आदमी। ओके, नेक्स्ट है कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है तो दुनिया रोज बनती है ये आपका हो जाएगा उनका कविता संग्रह। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में आई विषय वस्तु के आधार पर छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं तो बच्चे क्या है निडर बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है तो बिम विधान के लिए प्रसिद्ध है। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं तो रंधों के सहारे क्या है स्वयं भी उड़ रहे हैं ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे दोस्तों और किस सब्जेक्ट का चाहिए है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही यही बता दीजिएगा कि आपके स्कूल में इसे सॉल्व कराया जा रहा है क्या सर ने आपको सॉल्व करने के लिए कहा है। अगर कहा होगा आपको तैयार करना है और मुझसे समझना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सपोर्ट रहेगा तो मैं क्या है सभी का सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा। अगर मैं समझाऊंगा तो फायदा ये रहेगा वीडियो देखते जाएंगे और आपका क्या है सब कुछ तैयार होता जाएगा। ओके, पहला है मैं डेड मौजों पर
मस्त बहा करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा भव, मैं भव मौजो पर। ओके नेक्स्ट है, मैं मादकता नी से इसलिए फिरता हूँ। नेक्स्ट है, मैं बना कितने कितने जगह रोज मिटाता हूँ, अलंकार है तो कि बना 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 आया मतलब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट है, कभी बच्चन डेडेडेस का ध्यान नहीं करते तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, संसार कवि के डेडेडेस को गाना कहता है तो कवि के रोने को क्या है, गाना कहता है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे हल्की और हल्की चीज क्या है, पतंग है। ओके नेक्स्ट है, पतंग की पतली कमानी किसकी बनी होती है, तो बांस की बनी होती है। ओके सिंपल है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो जो चिड़िया के बच्चे होंगे किसी अपनी माँ की, तो इसमें लिख सकते हैं माँ की प्रत्याशा में होंगे, तो माँ की प्रत्याशा में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कभी बच्चन किसका ज्ञान करते हैं। ओके तो किसका गान करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, इसका होना चाहिए तो सब कभी किसका ध्यान या गान नहीं करते हैं ये होना चाहिए। ओके तो जग का ध्यान नहीं करते, इसका क्लियर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो भाव सागर मतलब सागर की तो भाव से बताइए रूपक अलंकार। ओके भाव रूपी सागर रूपक अलंकार। ओके तो रूपक अलंकार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी बच्चन किसका उन्माद लिए फिरते हैं, तो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। नेक्स्ट है, कपास कौन लाता है, तो कपास बच्चे लाते हैं। ओके तो बच्चे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ओके सुनहरे सूरज के सामने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं, तो बच्चे भी उड़ रहे हैं। ओके और ये कपास कौन लाते हैं, तो बच्चे लाते हैं। ओके ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्ता साथ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो चार खंडों में। ओके और दोस्तों क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कौन सी है, विकल्प में एक वाक्य में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है दस द्वार से स्वापान तक। ओके ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको याद रखना है दस द्वार से स्वापान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है जो कि चार खंडों में, दो खंडों में नहीं है, तो इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी का निधन मुंबई में 2003 में हुआ, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रवासी डायरी बच्चन जी की आत्मकथा है, तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो प्रवासी डायरी उनकी डायरी है। ओके आत्मकथा का जो उनका नाम है दस द्वार के स्वापान तक, ओके तो यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, सत्य हो जाएगा। बच्चे प्रत्याशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे, सत्य है। कभी बच्चन मंत्री का भेष लिए फिरते हो, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि तो दीवाना का भेष लिए फिरते हो, तो आपका असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, पहले पद्य साहित्य इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर हमको क्या है अपने इसे मिलेंगे। ओके और ये आपके दिए जुलाई में आएगा, जुलाई में आपको केवल दो चैप्टर तैयार करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे। फिर हर महीने इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके तो पद्य साहित्य का इतिहास में हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिए हैं, चलिए मैं इनका उत्तर भी आपको समझा देता हूँ। तो पद्य साहित्य के इतिहास में ये हमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन्हें इतने तैयार कर लेते हैं तो पूरा आपका समझ लीजिए आपका कंप्लीट हो जाता है पद्य साहित्य का इतिहास, क्योंकि इन्हें हर प्रकार के क्वेश्चन और पूरे क्वेश्चन रख दिए। ओके तो पहला क्वेश्चन है, पद्य साहित्य से आप क्या, पद्य साहित्य क्या है लिखिए। तो आंसर मैं आपको बताता हूँ कि पद्य साहित्य में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। पद्य साहित्य से आपके से क्या तात्पर्य है, क्या है। ओके तो पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से होता है जिसमें काव्य कविताएं गीत गजल छंद दोहे आदि की रचना की जाती है। ओके फिर नेक्स्ट है, पद्य साहित्य की जिन विधाओं में रचना की जाती है वहां कहानी या मन के भावों को व्यक्त करने के लिए गायतापट होता है, मतलब गायन शैली होती है वहां। ओके और गायात्मक रूप होता है, तो ये आपका हो जाएगा पद्य साहित्य क्या है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया, नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहे 1050 से हिंदी साहित्य में इतिहास का श्रीगणेश माना जाता है। ओके और ये जो वर्गीकरण दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ओके तो पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है, संबत 1050 से 1375, फिर भक्तिकाल जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, संबत 1375 से 1700, फिर रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, 1700 से 1900, आधुनिक काल ओके ये होता है 1900 से अब तक। तो ये आपका हो जाता है हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन। ओके आगे देख लेते हैं, फिर नए दोस्तों हमारे क्वेश्चन है कि भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। ओके तो प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं। ओके तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए चाहे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या फिर इसी प्रवृत्ति पूछे तो एक ही आंसर लिखना है कि इसमें क्या है, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना थी। ओके भक्ति भाव प्रधान था और निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश था, तो ये सब विशेषताएं भी है। उन्हीं विशेषताओं के कारण क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके तो ये आपका चाहे दोनों क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे आंसर आपका इस प्रकार से लिखना है। जैसे रीति काल को सिंगाल काल के क्यों कहा गया है लिखिए। ओके तो देख लेते हैं, तो इसका आंसर आपका किस प्रकार से आपको लिखना है कि 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य में रीतिकाल या उत्तर काल कहा जाता है या कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राजश्रित थे,
और वे राज दरबार में रहती थी। अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक था। इस काल की रचनाओं में क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अतः हमें से बंधुओं ने इसे क्या है, श्रृंगार काल कहा है। ओके, और नेक्स्ट मौसम हमारा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है रीतिकाल के दो कवि उनकी रचना है। तो रीतिकाल के दो कवि आप लिख दीजिए, बिहारी की रचना है बिहारी सत्सई, भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। ओके, तो ये आपको दो का क्या है, आपको रीतिकाल के कवि उनकी रचनाएं तैयार करना है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता। फिर नेक्स्ट है आपका छायावादी काव्य की विशेषता है। ओके, फिर प्रयोगवाद काव्य की विशेषता है, ये आपसे पूछी जा रही है। फिर इसी बात प्रपक्तिवादी की विशेषताएं बताना है, साथ ही प्रयोगवादी के दो कवि मतलब आपको एक एक कवि और रचना उनके बताना है, दो कवि और रचना बतानी उनकी। इसी बार नई कविता की विशेषताएं पूछी जा रही है, नई कविता के क्या है, कवि उनकी रचनाएं पूछी जा रही है। ओके, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ किस प्रकार से रहना है। छायावाद की अगर प्रमुख विशेषता है तो क्या है, पहली व्यक्तिवाद की प्रधानता है। छायावाद में क्या है, व्यक्तिवाद की प्रधानता है। छायावादी कविता मुक्ता व्यक्तिवाद की कविता है जिसमें कवि क्या है, निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है प्रकृति का प्रेम है। ओके, फिर क्या है, प्रेम और सौंदर्य उसका चित्रण भी है। तो ये आपकी तीन विशेषताएं दी हुई। ओके, वैसे तो आपको दो तैयार करना है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छायावादी के कवि उनकी रचनाएं, तो छायावादी कवि कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद, कमायनी और झरनन की रचना है। फिर सुमत्ता नंदन पंत, वीणा पल्लव, माधवी वर्मा, निहार रसिम निर्जा। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है प्रतिवादी कविता की विशेषताएं, तो प्रतिवादी कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, ये आपके दी हुई है। दूसरी विशेषता है यथार्थ चित्रण। ओके, इनके बारे में दो दो लाइन लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, तो ये मैंने दिया हुआ है तो आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट है रूढ़िवाद का विरोध, तो ये आपकी तीन विशेषताएं हो जाती हैं। फिर प्रकृतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो प्रकृतिवाद के प्रमुख आपके कौन कौन कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, रचना है कुरुक्षेत्र रेणुका रथी, फिर आपका नागार्जुन, युगधारा सतरंग, फिर शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सज्जन धरती की बरात, ये सब क्या है आपके प्रकृतिवादी कवि उनकी रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं। ओके, तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आप देख सकते हैं, ये चार दी हुई हैं, कोई भी आपको दो अच्छे से तैयार करना है। पहला है प्रयोगवादी कविता में क्या है, मार्क्सवादी परिच्छेद है। दूसरा है इस काव्य में सजग और गहरी पीड़ा का बोध है। तीसरा है प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से, गजानंद, माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी। फिर नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, अंधा युग, कनुप्रिया, अज्ञे, आंगन के पार द्वार, बाबर अहरी। तो ये सब क्या है प्रयोगवादी आपके प्रयोगवाद के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन हमारा नई कविता की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो विशेषताएं नई कविता की कौन कौन सी हैं, पहला है लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, दूसरा है बिंब योजना की अधिकता, तीसरा है क्षण का मान। कोई भी दो तैयार कर लीजिएगा, उनके बारे में दो दो लाइन भी आपको अच्छे से लिखना है। ओके, फिर आपको क्या है नई कविता की कवि उनकी रचनाएं भी तैयार होनी चाहिए। तो नई कविता की कवि हैं दुष्यंत कुमार, रचना है साये में धूप एक कंठ पिस पे आई, दूसरा है नरेश मेहता, सराय की एक रात, फिर भवानी प्रसमृद्ध गीत फरोश। तो ये क्या है आपके नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं दी हुई हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ दिए हुए हैं सभी के मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं। ओके, ये कंप्लीट हो जाता पद साहित्य के इतिहास के जितने भी आपके क्वेश्चन दिए सभी हो जाते हैं। ओके, फिर पाठ आधारित क्वेश्चन आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। पाठ आधारित क्वेश्चन में क्रम से हम देखेंगे, ये आपके पूरे क्वेश्चन दिए 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, ये देख सकते हैं 18 जो भी कहा केवल आध पर्चे वाले चैप्टर से पूरे 18 के 18 क्वेश्चन रख दिए हैं। ओके, कुछ तो क्वेश्चन जबरदस्ती बना के रख दिए हैं उन्होंने। ओके, चलिए हम देख लेते हैं, इनका उत्तर मैं आपको समझा देता हूँ जो आपके समझने लायक हैं। ओके, तो पद साहित्य के इतिहास के मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, पाठ पर आधारित क्वेश्चन हमको देखना है। ओके, तो पाठ पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जग किसे पूछता है और क्यों। ओके, तो सीधे सिंपल इसका आपको आंसर लिख देना है, तो जग की बातें करता है। ओके, कवि के अनुसार जग उसे ही पूछता है, ये कवि का जो लोगों के गुणगान करता है जग उसे पूछता है। तो जग पूछ रहा है उनको जो जग के गान करता है, संसार में उन्हीं लोगों को पूछते हैं जिन्हें सह संसार के गीत गाने का में आनंद आता है, संसार के लोगों का गुणगान करते हैं, दूसरी ओर मैं मन मौजी हूँ, संसार के सारों पर नहीं चलता है, यही मेरी मस्ती का कारण है। इस प्रकार से आप लिख देना है। नेक्स्ट, कवि हरिवंश राय बच्चन अपने हृदय में किस तरह के भाव को रखे हुए हैं, तो कवि ने अपने हृदय में को अनेक भाव उपहार स्वरूप सजो रखे हैं, कवि अपने स्वप्निल संसार में डूबा रहता है, मैं सपने के संसार लिए फिरता हूँ। ओके, ये लाइन भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें क्या है प्रेम नहीं है, यह बनावटी और झूठा है, बस इतना आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संसार लिए फिरते हैं, तो इसका आंसर आपको लिख देना है, कवि अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसमें प्रेम भरा संसार अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कवि हरिवंश राय बच्चन स्वयं के जीवन शैली के संसार से अलग क्यों मानते हैं, उनकी जो जीवन शैली है वो संसार से अलग क्यों मानते हैं वो अपने को, क्योंकि क्या है कवि ने कभी संसार की परवाह नहीं की,
संसार के लोग की प्रवृत्ति है कि उनको पूछते हैं जो उनके जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका क्या गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है अर्थात वह वही करता है जो उसके मन में आता है। तो ये उनकी क्या जीवन शैली क्या है संसार से थोड़ा अलग है उसी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौवन के उन्माद के बारे में कभी क्या कहना चाहता है, कभी किसकी यादों में को अपने हृदय में समेटे हुए है। तो कभी कहता है कि उसने जवानी में किसी से प्रेम करते हुए किसी की यादों में अपने हृदय को सजोया था। उसके अंदर ही अंदर रोने व्रतित रहने का कारण यह है कि वह किसी मतलब उसकी प्रिय की याद को हृदय में बसाए हुए है, यह हर समय उसके साथ रहती है। उसके ना मिलने पर वह क्या है दुखी हो जाता है। ओके ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कुछ क्वेश्चन इसमें जबरदस्ती क्वेश्चन है। ओके सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहना चाहते हैं। तो कवि संसार के बारे में कहता है कि यहाँ लोग जीवन सत्य जानने के लिए क्या प्रयास करते हैं परंतु वे सफल नहीं होते नहीं हुए। जीवन का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है। जग जिस पृथ्वी पर जो जो जोड़ा करता है वैभव मैं प्रतिपग मैं उस पृथ्वी को क्या ठुकराता हूँ। ओके सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी क्या प्रेम की बातें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी हरिवंश राय बच्चन किस बात का दुख है संसार के संबंध में वह क्या कहते हैं। कभी के को इस बात का दुख है कि संसार अधूरा है इसमें प्रेम नहीं है यह बनावटी और झूठा है। मतलब क्या है आंसर तो एक फिक्स है एक प्रकार का आंसर तो फिक्स है क्वेश्चन को बार बार क्या है अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है उसके क्या है दो तीन चार लाइन का आंसर अच्छे से तैयार कर लेते हैं सभी में फट बैठ जाता है। ओके नेक्स्ट है प्यार की महत्ता दर्शाते हुए कभी हरिवंश राय बच्चन क्या कहना चाहते हैं। ओके तो उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ अर्थात मैं प्रेम की ज्वलन यहाँ किस ज्वाला की बात हो रही है प्रेम की ज्वलन की बात हो रही है ज्वाला की बात हो रही है स्वयं सह करता हूँ प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के सुख दुख आते हैं उन्हें क्या मस्त रहता हूँ यह संसार आपदाओं का सागर है। नेक्स्ट है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पथिक को किस बात का भय है। तो कभी कहता है कि सांझ गिरने या शाम होने पर पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाते लगता है उसे रास्ते में क्या रात होने का भय है। तो उसे क्या किसका भय है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन भर का थका मंदा पथिक क्या चाहता है। ओके तो थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी यह सोचकर चलता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए मतलब वही का आंसर रहेगा इसका भी। ओके नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन ने प्रकृति के में क्या देखा है वह मन ही मन क्या सोच रहे हैं एक जबरदस्ती क्वेश्चन है इस प्रकार से आते नहीं है। ओके और ये इस प्रकृति के बारे में बात भी बहुत कम हुई। ओके तो इसका इसलिए क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है जीवन रूपी मार्ग में अक्सर होते हुए कौन सी बात पथिक के हृदय में को व्याकुल सा भर देती है। ओके तो वही यही बात हो जाती है कि कौन सी पथिक को कौन क्या डर रहता है कि कहीं रात ना हो जाए पथ में चलते चलते इसलिए जल्दी चलता है। ओके क्वेश्चन को बार बार क्या घुमाया जा रहा है। ओके जबरदस्ती क्वेश्चन इसमें है बने बनाए हैं। नेक्स्ट स्नेह सुरा से कैसे इंपॉर्टेंट है तो स्नेह सुरा से ऐसा है प्रेम की मादकता और उसके क्या पागलपन से जिसे कभी हर क्षण महसूस करता है और उसका मन क्या है झंझपित हो रहता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कभी हरिवंश राय बच्चन इस संसार में अपने जीवन को क्या मानते हैं उनके जीवन में प्रेम कैसे आया। तो लिख देंगे कि वह अपनी कल्पना के संसार के लिए फिरते हैं उसमें प्रेम भरा और संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जला करता हूँ अर्थात मैं प्रेम की जलन में स्वयं करता हूँ प्रेम की दीवान की मस्त होकर जीवन में सुख दुख आते हैं उसमें मस्त रहा करता हूँ। यही आंसर मैं पहले भी लिख चुका हूँ मतलब क्वेश्चन को क्या बारों घुमाया जा रहा है आंसर एक प्रकार से वही है। ओके जैसे सांसों के तारों से कभी हरिवंश राय बच्चन जी का क्या आशा है। तो सांसों के तार से तात्पर्य है उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है या चल रहा हो जाएगा। ओके चल रहा है। ओके रहा है मेरे विचार में उन्हें कभी कभी की कह प्रेसी के झंझकृत कर दिया है। ओके या किया होगा। नेक्स्ट कभी हरिवंश राय बच्चन संसार एवं स्वयं के संबंध के में क्या बताते हैं इसका भी आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आप लिखना है। नेक्स्ट आद परिचय कविता में कभी ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है। तो इस कविता में कभी हरिवंश राय बच्चन ने अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताया है। कवि का इस संसार में प्रीति कलह का संबंध है। ओके प्रेम और कलह का संबंध है क्योंकि वह जग जीवन से जुड़ा भी है और उससे अलग भी है एक प्रकार से जुड़ा भी है और अलग भी है। ओके वह इस संसार में भार जिम्मेदारियों को लिए फिरता है लेकिन उसके साथ भी कहे जीवन में प्यार की भावना रखता है और वह सपना का संसार लिए फिरता है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं मतलब आपके जुलाई मंथ में आपका क्या पहला और दूसरा चैप्टर आना था बाकी यहाँ पहले चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर रख दिए हैं सभी मैंने कवर करा दिए। ओके व्याकरण वाला आ जाता है फिर आपका अभी मैंने आपको क्या काव्यखंड और गद्य साहित्य का इतिहास बताया अभी। ओके बहुत सारे हिंदी में टॉपिक और अन्य सब्जेक्ट भी आपको कवर करवाना चाहते हैं। ओके तो आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो मैं आपको क्या कंप्लीट
सभी सब्जेक्ट के मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र की क्या है प्रैक्टिस करा दूंगा, कि बाकी ये जो आपकी ये प्रैक्टिस दी है ये टीचरों के लिए कि बच्चों को क्या है ये प्रैक्टिस कराएं। ओके, तो मैं आपको है यहाँ प्रैक्टिस पूरी करवा दे रहा हूँ जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते जाएं, वीडियो देखते ही देखते आप तैयार करते जाएं। ओके, आगे भी क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं क्या है सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक आपको कवर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।